समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेता मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ने पर आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। इसी पृष्ठभूमि में सीएम केसीआर ने मुलायम के बेटे अखिलेश यादव से उनके पिता का हालचाल पूछा। उन्होंने मुलायम के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। सीएम केसीआर ने अखिलेश से कहा कि दशहरा उत्सव के बाद वह खुद आकर उनसे मुलाकात करेंगे। हम मुलायम के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। 82 वर्षीय मुलायम पिछले कुछ समय से बीमार से जूझ रहे हैं। कल उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनका क्रिटिकल केयर यूनिट में इलाज चल रहा था। मुलायम का फिलहाल गुरुग्राम के वेदांत अस्पताल में ऑन्कोलॉजिस्ट की देखरेख में इलाज चल रहा है। सीतारामलु मंदिर कुकटपल्ली के प्रांगण में बतकन्ना समारोह का भव्य आयोजन किया गया। बतकन्ना समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूदा एमएलसी कविता ने भाग लिया। इसी पृष्ठभूमि में पुलिस ने कुकटपल्ली में ट्रैफिक रोक दिया। इससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। समस्या की परवाह नहीं करने वाले अधिकारियों पर वाहन चालकों ने रोष जताया। संगारेड्डी में सद्दुला बतकम्मा समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। विधायक जगारेड्डी ने महिलाओं के साथ बतकम्मा गीतों पर नृत्य किया। बतकम्मा उत्सव के अवसर पर संगारेड्डी शहर में महबूब सागर तालाब के तटबंध पर विशाल विद्युत दीपक सजाया गया, जो बतकम्मा उत्सव के लिए उपयुक्त है। संगारेड्डी विधायक जगारेड्डी और उनकी पत्नी निर्मला जगारेड्डी ने बतकम्मा समारोह में एक साथ भाग लिया। जीएचएमसी ने कहा कि एसएनडीपी द्वारा किए गए नहर कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है और बिलों के भुगतान में कोई देरी नहीं है। इसमें कहा गया है कि शहर में बाढ़ को रोकने के लिए 985 करोड़ रुपए से 60 कार्य किए गए हैं और वे कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। जीएचएमसी ने खुलासा किया कि अब तक 450 करोड़ के बिलों का भुगतान करने के लिए कदम उठाए गए हैं, जिनमें से 103.19 करोड़ के बिलों का भुगतान किया जा चुका है। जीएचएमसी ने कहा कि 350 करोड़ बिलों का भुगतान करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिनका भुगतान जल्द किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ना तो धन की कमी है और ना ही बिलों के लिए भुगतान के में देरी। जीएचएमसी ने कहा कि हालांकि नाला कार्यों में मिशन मोड में निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए कदम उठाए गए, लेकिन मानसून के आगे बढ़ने और लगातार बारिश के कारण लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। कांग्रेस के शीर्ष नेता दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, कोपुलर राजू और अन्य जो भारत जोड़ो यात्रा की समन्वय समितियों के प्रभारी है, मंगलवार को एक बैठक में भाग लेने के लिए हैदराबाद आए। कांग्रेस पदाधिकारियों ने समीक्षा बैठक की। आईटीपीसीसी प्रमुख ए रेवंत रेड्डी ने सोमवार को आरोप लगाया कि भाजपा तेलंगाना के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को भगवा पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी का उपयोग कर रही है। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को ईडी के नोटिस को भाजपा की चाल के रूप में बताया कि उन्हें छोड़ने और अपने पाले में शामिल होने के लिए मजबूर किया। रेवंत ने कहा कि भाजपा उनके कांग्रेस नेताओं के साहस और आत्मविश्वास को नहीं हिला सकी। उन्होंने कहा कि भाजपा राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता से डरी हुई है और बाधा पैदा कर रही है। टीपीसीसी प्रमुख ने कहा कि कर्नाटका और तेलंगाना में कांग्रेस नेताओं को ईडी को नोटिस ऐसे समय में डराने वाला था जब भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राज्यों से गुजर रही थी। उन्होंने ईडी में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार को नोटिस जारी करने का एक पैटर्न देखा जब वह भारत जोड़ी यात्रा की व्यवस्था कर रहे थे। इसी तरह तेलंगाना कांग्रेस के 5 नेताओं को उस समय नोटिस जारी किया गया था जब वॉकथॉन तेलंगाना में प्रवेश कर रहा था। उन्होंने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं को ईडी ने 1 करोड़ रुपए का चंदा देने के लिए नोटिस जारी किया था, जबकि बीजेपी को 4,841 करोड़ रुपए का बड़ा चंदा मिला था।
इस बीच कांग्रेस के शीर्ष नेता दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, कोपिला राजू और अन्य जो भारत जोड़ो यात्रा की समन्वय समितियों के प्रभारी है, मंगलवार को एक बैठक में भाग लेने के लिए शहर में उतरे। हैदराबाद मेट्रो में भी उसी स्तर की सेवा दी जा रही है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ उपलब्ध है। देश में पहली बार व्हाट्सएप के जरिए मेट्रो यात्रा टिकट बुक करने की सेवा हाल ही में शुरू की गई। L&T हैदराबाद मेट्रो रेल के CEO और MD KVB रेड्डी ने लॉन्च की शुरुआत की। आने जाने के हरित और टिकाऊ तरीके को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद मेट्रो रेल ने व्हाट्सएप ई टिकटिंग सुविधा के माध्यम से एंड टू एंड डिजिटल भुगतान सक्षम मेट्रो टिकट बुकिंग शुरू की है। L&T मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड L&T MRHL ने एक बयान में कहा कि यह पहली बार है जब देश में मेट्रो रेल द्वारा व्हाट्सएप टिकटिंग शुरू की गई है। हैदराबाद मेट्रो रेल ने प्रौद्योगिक एकीकरण के लिए BLIC और EFC पर्यटन शेल इन्फो ग्लोबल्स सिंगापुर के सहयोग से पहल शुरू की है। ब्रांड नई सेवा हैदराबाद मेट्रो रेल में हर रोज़ हैदराबाद के यात्रियों को निर्बाध यात्रा करने का विकल्प प्रदान करती है। यात्रा अब अपने स्वयं के व्हाट्सएप नंबर पर ई टिकट खरीद सकते हैं, जिसे यात्रा के लिए आगे बढ़ने के लिए स्वचालित किराया संग्रह EFC द्वारा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। यह सुविधा टी सवारी और अन्य तृतीय पक्ष भुगतान ऐप्स टिकट बुकिंग के अन्य डिजिटल तरीकों के अतिरिक्त है। इस विकास पर बोलते हुए L&T MRHL के MD और CEO KVB रेड्डी ने कहा, हैदराबाद मेट्रो रेल डिजिटलाइजेशन की शक्ति में विश्वास करती है। डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप हम अपने यात्रा अनुभव को बढ़ाने और अपनी सेवा उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से डिजिटल भुगतान गेटवे के साथ भारत की पहली मेट्रो व्हाट्सएप ई टिकटिंग सुविधा शुरू करने में प्रसन्न है। BLIC के संस्थापक और MD आकाश दिलीप पाटिल ने कहा कि उनकी टीम कनेक्टेड भविष्य के लिए प्रोटोकॉल को शामिल करने के साथ साथ सुविधा और दक्षता का एक बड़ा डिजिटल अनुभव देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम डिजिटल मोबिलिटी सॉल्यूशंस को अपनाते हुए देश में ट्रांजिट इकोसिस्टम के डिजिटलकरण की दिशा में काम करना जारी रखेंगे। BLIC और HMR देश भर में व्हाट्सएप के जरिए टिकट की ऑनलाइन बुकिंग को सक्षम कराने वाली पहली कंपनी है। यह परिजनों न केवल हमें बल्कि सभी को डिजिटलकरण और नवाचार में शामिल करने में सक्षम बनाती है। चंपापेट मंडल के मारुति नगर कॉलोनी में सिद्धि विनायक एसोसिएशन के तत्वावधान में बतकम्मा समारोह का भव्य आयोजन किया गया। बतकम्मा तेलंगाना की लड़कियों का एक बहुत ही खास त्यौहार है। बतकम्मा त्यौहार 9 दिनों तक प्रकृति की पूजा करता है। तेलंगाना की लड़कियों और लड़के बतकम्मा त्यौहार को प्रकृति की पूजा करके और फूलों के साथ बतकम्मा बड़े आनंद के साथ मनाते हैं। उन्होंने सभी लोगों से गौरी माता की पूजा करके विजयदशमी मनाने की कामना की, ताकि सभी लोग सुख और खुशी के साथ रह सके। LV कॉलोनी डिवीजन के पार्षद डोडला वेंकटेश गौड़ ने बतकम्मा समारोह का नेतृत्व किया। वेंकटेश गौड़ ने कहा कि तेलंगाना का राज्य त्यौहार बतकम्मा तेलंगाना की रीति रिवाजों, संस्कृति, परंपराओं और महिलाओं की उत्कृष्टता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री KCR तेलंगाना त्यौहार की लोकप्रियता का मुख्य कारण है, जो इंगिलपुला बतकम्मा से शुरू होता है और सद्दुरो बतकम्मा के साथ समाप्त होता है। श्री साई गार्डन कॉलोनी रामंतापुर में बतकम्मा समारोह भव्य है। सद्दुला बतकम्मा बड़े उत्साह और खेल के साथ आयोजित किया गया था। विभिन्न फूलों के साथ बतकम्मा को महिलाओं द्वारा खूबसूरती के साथ व्यवस्थित किया गया था।
तेलंगाना आने के बाद महिलाओं ने कहा कि बतकम्मा को राजकीय उत्सव के रूप में मनाकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने तेलंगाना की संस्कृति का हिस्सा बनने पर प्रसन्नता व्यक्त की, जो दुनिया में कहीं और की तरह प्रकृति की पूजा करती है। महिलाओं ने कहा कि नवरात्रि के 9 दिनों तक बतकम्मा के साथ देवी की बड़ी भक्ति के साथ पूजा की जाती है। भाजपा संभाग अध्यक्ष नरेंद्र रेड्डी ने नेतृत्व में मल्लापुर संभाग के चंदिया नगर के भवानी नगर कॉलोनी में सद्दुला बतकम्मा का आयोजन किया गया। कॉलोनी की महिला अध्यक्ष सबिता ने कहा कि बतकम्मा उत्सव जो तेलंगाना की संस्कृति को दर्शाता है, भव्य रूप से आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 13 सालों से चंदिया नगर में सभी को एकजुट होकर इस त्यौहार को मनाना चाहिए। हर घर की महिलाएँ बतकम्मा बनाती है और सभी बतकम्मा त्यौहार को खुशी खुशी मनाते हैं। रामंतपुर के छोटे से तालाब में इंद्रनगर क्लब के तत्वावधान में बतकम्मा समारोह का भव्य आयोजन किया गया। क्लब के आयोजकों ने कहा कि वे 2 साल से क्लब के तत्वावधान में बतकम्मा समारोह का आयोजन इस तरह से कर रहे हैं, जो तेलंगाना की सांस्कृतिक परंपराओं पर जोर देता है। उनके तत्वावधान में आयोजित बतकम्मा समारोह में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और खेलों के साथ उत्साहवर्धन किया। बतकम्मा के साथ साथ उनके क्लब के तत्वावधान में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने बतकम्मा समारोह में भाग लेने वाली महिलाओं को उपहारों के साथ बधाई दी। एलवी कॉलोनी संभाग ने भाजपा युवा नेता विजित वर्मान के नेतृत्व में सद्दुला बतकम्मा समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में फिल्म अभिनेत्री जीविता राशेकर और भाजपा सेरलिंगमपल्ली निर्वाचन क्षेत्र की प्रभारी गजला योगानंद ने भाग लिया। अभिनेत्री जीविता राशेकर ने कहा कि महिलाओं के स्वाभिमान को व्यक्त करने वाला फूल उत्सव तेलंगाना के रीति रिवाजों, सांस्कृतिक और परंपराओं का प्रतीक है। विजित वर्मा ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और एक साथ बतकम्मा खेलकर हमारे तेलंगाना की महिमा का जश्न मनाया। कुकटपल्ली बालानगर मेट्रो स्टेशन के अंतर्गत एक कार के इंजन में आग लग गई। घटना डीमार्ट के सामने मेन रोड पर हुई। ग्रेटर हैदराबाद में पुलिस ने गांजा गिरोह का भंडाफोड़ किया है। राचाकोंडा कमिश्नर में 900 किलो गांजा जब्त किया गया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एलबी नगर और आलेरू एसओटी पुलिस ने उड़ीसा राज्य मलकानगिरी से महाराष्ट्र में गांजा की अवैध तस्करी को पकड़ा। सीपी महेश भागवत ने बताया कि महाराष्ट्र से योगेश दत्त नाम का शख्स पिछले कुछ समय से मलकाजगिरी से महाराष्ट्र में गांजा की तस्करी कर रहा है। उन्होंने कहा कि ओडिशा राज्य में 1 किलो गांजा 2 से 3 हज़ार रुपये में खरीद कर उसे महाराष्ट्र में करीब 15 हज़ार रुपये में बेचा जा रहा था। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पीडी एक्ट लागू किया जाएगा। गिरफ्तार लोगों में विकास, विनोद, किशोर और चित्त बाबू शामिल है। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने जानकारी दी है कि राज्य के कई जिलों में 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। इसने बताया कि एपी तट पर पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर तक हवा का कम दबाव वाला क्षेत्र बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व में एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इनके प्रभाव से मौसम केंद्र ने शुरुआती चेतावनी जारी की है कि बुधवार से 3 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है।